तो आप लोग सुन लिए कि मेरी बहन यहाँ सोई हुई थी और जैसे ही सुबह में उठी और घर में झाड़ू दे रही थी और झाड़ू जैसे दे रही थी तो देखिए अचानक से उनकी मौत हो गई। ओरिजिनल या मेरा जो है हाथ सब भी कट गया और रहने पर भी घटना घर में हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोग तो आज अच्छे होंगे लेकिन हम जो है बहुत उदास हैं, आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि गाइस आज क्या बताएंगे, हम घर पे आज नहीं थे और हम अपने जो है जहाँ पे हम सोते हैं वहीं पे थे। और गाइस सुबह सुबह जो है ना पूरा मतलब कॉल जो हमको आया गाइस, पूरा क्या बताएंगे गाइस, कॉल किस टाइप से आया और बड़ी दुख की बात है गाइस। हम वहाँ से सुबह में यहाँ घर पे जब आए तो क्या बताएंगे, मेरे को देख के लगा कि गाइस मेरा होश ही उड़ गया घर पे, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसा घटा था, हम क्या बताएंगे आपको गाइस, बहुत बुरा घटना घटा और देख सकते हो एक कोई रंग वाला नहीं गाइस, देख सकते हो ओरिजिनल या मेरा जो है हाथ सब भी कट गया। और मेरी बहन जो थी यहाँ पे घर में सोई हुई थी और मतलब भाई लोग भी थे, लेकिन सबके रहने पर भी घटना घर में हो गया। कैसे हुआ है और घटना आपको हम दिखाएंगे किस चीज़ का हुआ गाइस, लेकिन बहुत ही जो है ना दर्दनाक घटना हुई है, जिसको मेरे अंदर जो है ना सहन करने की पावर नहीं है, क्योंकि मैं उसको बहुत प्यार करता था, बहुत मतलब क्या बताएं, जान से भी ज़्यादा हम उसको जो चाहते थे। आप किसी चीज़ को आप लगाव करते हैं तो आपको पता होगा कि चले जाने के बाद कैसा आपको फील होता है गाइस, उसी तरह आज हमको हो रहा है, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं रहे, हम लोग को छोड़ के चले गए हैं, क्या बताएंगे। और चलिए घटना कैसे घटी है, थोड़ा घर में हमारी सिस्टर थी उनसे हम बातचीत करते हैं और पूछताछ करते हैं, फिर आप लोग को दिखाएंगे अपनी बहन से कि किस तरह से हमारे घर में घटना घटित हुई है। तो पहले आप ही बताइए घर में कैसे मतलब सब के रहते हुए घटना घट गई। हम यहाँ पे सो रहे थे और सुबह उठी ना झाड़ू लगाने के लिए थे, देखिए उनका मौत हो। तो आप लोग सुन लिए कि मेरी बहन यहाँ सोई हुई थी और जैसे ही सुबह में उठी और घर में झाड़ू दे रही थी और झाड़ू जैसे दे रही थी तो देखे अचानक से उनकी मौत हो गई। और गाइस क्या बताएंगे, हम लोग को आज अच्छा थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हम खाना अभी तक नहीं खाए हैं, क्योंकि क्या बताएंगे बहुत दर्द महसूस हो रहा है यार। मेरी मम्मी भी वहाँ पे थी जहाँ पे हम सोए थे, मम्मी लोग भी वहीं पे थे और हमको सुबह करीब 5:30 बजे कॉल लगे मेरे मोबाइल पे, भैया मेरा बड़ा भाई जो हमको फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे आकर हम देखे तो यही हालत था कि मरा पड़ा रखा हुआ था और देख सकते हो हम लोग तीनों उंगली मेरा जो है घायल है, क्योंकि घटना इस तरह से घटा हम क्या बताएंगे दोस्तों। जिंदगी में हम पहली बार आप देख रहे हो कि हम लोग उदास सा है, क्योंकि घटना बहुत ही क्या बताएंगे हम लोग गाइस, बहुत ही मतलब दर्दनाक मौत हुआ है उनका, क्योंकि उसको पहले जो है काटा गया फिर उसका खून निकाला गया और जो है खून निकालने के बाद तो उनका मौत ही हो गया, क्योंकि कितना देर जिंदा रह सकेंगे, 1 से 1.5 मिनट और उसको कोई तेज रहेगा तभी ना वो भाग जाएंगे, मतलब वो तो था कुछ इस तरह से, मतलब कि सीधा आप समझ जाइए कि कोई मतलब तेज रहता है तो भाग भी जाता है, वो मतलब भाग भी नहीं पाए। और रात को तो घर में अंधेरा रहता है, क्योंकि हम लोग सोते हैं तो लाइट बंद कर देते हैं घर का। और जो मौत उसका है, थोड़ा इधर दिखाओ तो, इधर नीचे गए नीचे गए, और घर सब देख सकते हो किस तरह से है, मतलब घर में अभी तक झाड़ू भी नहीं दिया, हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग पूरा उदास सा है, इधर देख सकते हो सब कुछ वैसे बिखरा पड़ा हुआ है। और मिली यहाँ पे मिला हम लोग को, यहाँ पे यहीं पे मिला, तो हम लोग जो है और मेरा क्या बताएंगे, इसके बाद हम लोग जो है ना उनको जो है रख दिए और जो हम लोग को करना चाहिए हम लोग तो कर दिए, और क्या बताएंगे, और पिंजरा उसका जो है ना खाली पड़ रहा है, बहुत उदास लग रहा है, मतलब तो इधर बहुत उदास लग रहा है, क्या बताएंगे मन नहीं लगता है, अभी तक टाइम 10 बज गए अभी तक हम लोग खाना भी नहीं खाए, और देख सकते हो आप खाली पड़ा हुआ है। और हम गलती गाइस क्या बताएंगे, हम सोचे निकाल के छोड़ देते हैं और हम इसको पिंजरे से जो बाहर निकाल के छोड़ दिए थे, और रात में हम लोग भूल गए थे, बंद नहीं कर पाए इसको,
और घर में छोड़े थे, और रात में जो है ना बिल्ली जो है किसी तरह घर मेरे घर में जो है एंट्री करके घर घुस गए, और लगभग 12 बजे करीब जो है ना उसका जो है काट के जो है ना सिर्फ खून चूसा, खून पी के जो है बस मेरा मिट्टू जो है वो तो मर गया, खून उसका निचोड़ लिया था। और बिल्ली भी वहाँ से, हम लोग जो सुबह में आए थे बिल्ली भी वहीं पे थी, वहाँ से भागी नहीं थी, वहीं पे थी। इससे उसी चक्कर में थोड़ा जो बहुत जो है ना हम लोग को भी लग गया, डर हो रहा था और बहुत भयंकर थी। और खिड़की बंद नहीं की थी लोग, रात में खिड़की खुली रह गई और बंद नहीं की थी, और बस उसका मौत हो गया। और खाली पिंजरा देख सकते हो दोस्तों, पड़ा हुआ है, क्या बताएंगे। बस यही हम लोग विनती करते हैं कि गाइस ज़िंदगी में अब जो है ना हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, पैरोट सब नहीं खरीदेंगे, क्योंकि और बेचने वाले को भी थोड़ा शर्म करनी चाहिए, ऐसा जो बेचते हैं ना ऐसा नहीं करना चाहिए। पक्षी को पकड़ के जो है ना बेच डालते हैं, कुछ पैसा के लालच में उनको बेचते हैं बीच बाजार में, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको ज़िंदगी जीने का जो है ना, क्योंकि हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं और आज़ाद पंछी भी है, तो किसी को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। हम लोग आज जो है ना सबक सीख लिया है, और जो लोग जो है ना पिंजरे में बंद करके रखता है उनको शर्म करनी चाहिए, क्योंकि हम आज़ाद चल सकते हैं तो पंछी को भी आज़ादी देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आप लोग को नए ब्लॉग के साथ।